हे ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू भद्रायस एकेडमी। दोस्तों, आज है 2nd of May 2022 एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सोर्सेज जो हम लोग रेफर करने वाले हैं, मेन तो है द एग्जाम ट्रिब्यून एंड अगेन डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज भी हम कहीं ना कहीं फोकस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस पूरे क्लास का नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में मैं उसका PDF लिंक अपलोड कर दूंगा। एंड इफ़ यू एट ऑल वॉन्ट टू टेक एडमिशंस एनी टाइम, यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एज वेल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर वेरियस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट वी प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट्स। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ है असम ट्रिब्यून से, मेकिंग गुवाहाटी सिटी लिवेबल। अगर आप एडिटोरियल पेजेस को खोल के देखिएगा ना, उसमें एक बहुत बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला जो आर्टिकल आता है ना, उसी में लिखा हुआ था दैट कैसे हम अपने सिटी को लिवेबल बना सकते हैं ना। बेसिकली ये कंटेक्स्ट क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो, कोई भी अगर न्यूज़ आता है ना, ऐसे ही नहीं पूछा जाता है, ऐसे ही नहीं डाला जाता है, कुछ ना कुछ तो कंटेक्स्ट रहेगा। जी हाँ, अभी आपको पता है दैट गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रिसेंटली कुछ इलेक्शंस था ना, राइट? तो नए नए जो इलेक्टेड काउंसलर्स जो चुन के आए हुए हैं ना, उनको जस्ट बोला गया, देखो भाई आपने अगेन डिफरेंट वार्ड से तो आप जीते हो, राइट? बट मेक श्योर करना पड़ेगा आपके जो जीते हो सरकार, आपको जो इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दैट आप अपने वार्ड के सिटीजन्स के लाइफ को और भी ज़्यादा लिवेबल बना सके। देखो, अब आप बोलेगा क्या अभी क्या लोग क्या रह नहीं रहे हैं क्या खुशी से? अभी भी खुशी से ही रह रहे हैं, राइट? बट क्या होता है ना दैट कोई भी रीजन में अगर डेवलपमेंट आता है तो एक डाइकोटॉमी हमें देखने को मिलता है, और वो डाइकोटॉमी क्या होता है? प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का। ना डेवलपमेंट का जहाँ पर होगा ना, अब देखो कहीं पर अगर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे इकोलॉजी में भी तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना जी। जैसे ऑफ कोर्स अगर आप वहाँ पे फ्लैट्स बना रहे हो, वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे पेड़ पौधे, वहाँ के इकोलॉजी को आप हार्म पहुँचाओगे, राइट? ना इसमें आप दो चीज़ देखोगे, कोई सिटी को अगर आगे बढ़ना है तो अगेन वहाँ पे स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए तो ट्रीज़ को तो काटने ही पड़ेंगे, है ना? एक आपका फ्रंट ये है। दूसरा फ्रंट है दैट ठीक है, अगर ट्रीज़ को काटोगे तो वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, क्योंकि इफ़ यू सी डिफरेंट अदर रीजन्स, लोग वहाँ पे यू नो बहुत बड़े बड़े स्पेसेस में रहते हैं, राइट? इनफैक्ट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इफ़ यू सी। अब मैं वहाँ पे गया था वंस, सो आई सॉ देयर दैट वहाँ पे जो स्पेसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सोचो दिस इज़ योर प्लॉट, राइट? सो दिस इज़ द रीजन वेयर योर होम इज़ देयर एंड दिस ह्यूज रीजन इज़ कैप्चर्ड बाय नॉर्मल बगीचा, राइट? गार्डन्स यहाँ पे रहते हैं, तो देखो कितना अच्छा रहता है ना आपका, ये प्लॉट में आपका घर है, यहाँ पे गार्डन है, राइट? तो एक यू नो पेड़ पौधे, सब समय ग्रीनरी आप देख रहे हो, आँख भी आपका सही है, राइट? बट वहीं पर अगर आप बड़े बड़े सिटीज़ में चले जाओगे तो ये गार्डन तो दूर की बात भैया, इस लोग जो है सड़क के ऊपर कब्जा मार लेते हैं, सड़क के ऊपर उनका घर हमें देखने को मिलता है, जो कि बाद में यू नो ऑफकोर्स टूट भी जाता है कभी कभी अगर प्रॉपरली म्यूनसिपैलिटी का अगर डंडा पड़ गया तो, राइट? ऑफकोर्स इंडिया में भी हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। तो एनीवेज, यहाँ पे बोला गया है इलेक्टेड काउंसलर्स को, तो देखो भाई आपको कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे आपके वार्ड के एटलीस्ट लोग जो है ना वो खुश रहे, राइट? उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो हाई हो, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे नहीं दैट हाँ आप सारे फैसिलिटी, नो डाउट वो सारे फैसिलिटीज़ तो देने ही पड़ेंगे, जहाँ पर जैसे यहाँ पर बात भी की गई है दैट क्लीनलीनेस, वाटर इश्यूज़, ये सब तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे जो हो जाए, बट मेक श्योर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो चीज़ है वो है ग्रीनरी। ग्रीनरी को भी हमें इंश्योर करने पड़ेगा, राइट? तो ये वेरियस पैरामीटर्स में आपने काम करना पड़ेगा, जिससे अगर कोई भी, से फॉर एग्जाम्पल मैं ही, राइट? मैं कोई वार्ड में घुस रहा हूँ, राइट? सो आई शुड बी वेलकम बाई कूल एंड प्लीजेंट ब्रीज, भले कितने गर्मी हो, राइट? बट स्टिल ऐसा होना चाहिए ना इन्वायरमेंट जिससे यार बहुत ठंडी ठंडी जगह में घुस, मतलब एक अच्छा लगता है ना यार, आप खुद सोच के देखो, राइट? लश ग्रीन ट्रीज हो दोनों रास्ते के दोनों साइड में, कितना अच्छा लगेगा, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इश्यूज भी डील किए गए हैं, और जहाँ पे बोला गया दैट पहले ऐसा लेकिन हालत नहीं था इन सिटीज़ का, राइट? बट अभी हमें सिटीज़ का हालत बदतर होता हुआ दिख रहा है। पहले क्या होता था, पहले जैसे कंस्ट्रक्शन जो है ना सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड, सिर्फ प्लेन एरियाज में ही रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ था, दैट आप हिली एरियाज में तो कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते हो। अभी आप चले जाओ गुवाहाटी के हिली रीजन्स में, राइट? हिल्स को इनफैक्ट मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है, मैं कभी अगर यू नो कभी जाता हूँ ना, मैं उसको फोटो खींच के आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर, है ना? वो लोग हिल्स को काट दे रहे हैं लिटरली, है ना? हिल्स को काट कर लोग अपना नीचे में उसको प्लेन रीजन में अपना घर बना रहे हैं। आप खुद सोचो,
उस रीजन्स में तो घर ही नहीं अलाउ करवाना चाहिए था सरकार को, बट स्टिल अभी भी ग्रीन हिल्स को भी छोड़ा नहीं जा रहा है और इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है इन रीजन्स में। इनफैक्ट अगर आप गुवाहाटी देखोगे ना, जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लोगे ना, सबसे बड़ा सिटी है गुवाहाटी। इनफैक्ट अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी वो सिटी होता है जो कोई भी पर्टिकुलर रीजन में सबसे बड़ा सिटी होता है, मतलब उससे जो छोटा सिटी हो ना वो उससे आधा से भी कम का साइज का होगा, ठीक है? उसको हम लोग, उस रीजन को हम लोग प्राइमेट सिटी बोलते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट अगर ले लोगे, गुवाहाटी सबसे बड़ा सिटी है। इसके बाद छोटा वाला कौन सिटी है, वो है अब त्रिपुरा का अगरतला, समझ रहे हो बात? तो अगेन, तो इतना बड़ा जब सिटी होगा तो कोई भी चीज़ अगर बढ़ रहा है, ऑफकोर्स बढ़ाई बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ पे गुड्स सर्विसेज की फैसिलिटी बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटी बढ़ेगी, मतलब उस रीजन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आएंगे। उस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आएंगे इसका मतलब क्या, उस रीजन में डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा मतलब वो रीजन और भी बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, हो रहा है। अब जब रीजन बड़ा होगा तो उसको लैंड एरिया तो चाहिए ना यार सर्वाइव करने के लिए, कॉमन सेंस लगाओ, है ना? वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, राइट? तो इंश्योर करने के लिए बोला जा रहा है सरकारों से दैट देखो वाटर सप्लाई हर एक लोकैलिटी में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोकैलिटीज हैं जिनके कंप्लेंट्स आते हैं दैट प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है। मोर ओवर जल जल हर घर नल योजना के तहत तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा ना जी। वेरियस स्टेक होल्डर्स जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है उन्हें एक साथ आना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना ये वाला चीज दैट अगर कंस्ट्रक्शन करोगे तो एक डाइकोटोमी हमें देखने को मिलेगा। वो डाइकोटोमी क्या है, दैट आपको पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा डाइकोटोमी है दैट अरे भाई डेवलपमेंट भी करना है हमें साथ में, तो पेड़ पौधे को तो हमें यू नो कहीं ना कहीं बलिदान देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे बोला जा रहा है दैट क्यों ना हर एक स्टेक होल्डर्स एक साथ आए, उसमें इन्वायरमेंटलिस्ट भी हो, उसमें वेरियस वार्ड कमिश्नर्स हो, वेरियस यू नो जो भी इस सेक्टर में हो, राइट? सबको ये एक साथ आए और क्यों ना सबको मिल बांट कर फाइनली एक प्रॉपर मिडिल वे यू नो निकाले जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली मॉडल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इंश्योर कर सके, राइट? इससे इंकरेज किया जा रहा है बिल्डर्स को, दैट बिल्डर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेंगे नए कॉन्सेप्ट्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लाइक साइंटिफिक गार्बेज डिस्पोजल। जैसे अगर आप कोई भी बड़ा यू नो कॉलोनी बना रहे हो, राइट? तो मेक श्योर करो ना दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके कॉलोनी में हो, क्योंकि आप अगेन अगर आप नॉर्थ ईस्ट देख लो इन जनरल, असम इन पर्टिकुलर, गुवाहाटी इन पर्टिकुलर देख लोगे तो बारिश की तो कमी नहीं है यार यहाँ पे, है ना? तो बारिश की जब कमी नहीं है तो क्यों ना हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें? आज भी बारिश हुआ यार, आपको पता ही है सुबह में, है ना? सो वही नहीं, गार्बेज भी तो अब अगर लोग रहेंगे तो वहाँ पे वेस्ट जनरेशन तो होगा ही भाई, तो उस वेस्ट जनरेशन का भी साइंटिफिक डिस्पोजल सिस्टम क्यों ना हम लोग डिवाइस कर सके, राइट? सिंस देर इज इनफ रेनफॉल इन इंडिया द पॉन्ड्स वुड श्योरली गेट रिप्लेनिश्ड। ऐसे बहुत सारे पॉन्ड्स है ना विच आर इन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जी हाँ, एब्सोल्युटली, अगर आप गूगल मैप देख लोगे वहां पर तो आपको पॉन्ड दिखेगा, राइट? बट एक्चुअली आप उस रीजन में जाओगे अरे भाई कुछ गायब है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो क्यों ना उस पॉन्ड्स को फिर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू सर्वाइव कर सके, क्योंकि पॉन्ड अल्टीमेटली क्या है, दे कैन एक्ट एज अ रीजन ऑफ यू नो वेटलैंड्स, राइट? और वेटलैंड्स की तो हम लोग बेनिफिट जानते ही हैं क्या होता है। इनफैक्ट कुछ कुछ डेटा भी दिए गए थे इस वाले स्लाइड में, मैं डेटा डिस्कस करूंगा। जैसे 2007 में एक रिपोर्ट निकाला गया था दोस्तों, उस रिपोर्ट का नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक लंदन बेस्ड रिपोर्ट था, राइट? जिसमें गुवाहाटी को, नॉर्थ ईस्ट का ये सिटी, आसाम का सिटी गुवाहाटी को रैंक किया गया था एज वर्ल्ड्स 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज, विच इज़ अ बिग टैग, ठीक है? इनफैक्ट 2007 का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट भी बतलाता है दैट स्टेट्स जो है ना, स्टेट में अराउंड 1640 हेक्टेयर्स ऑफ सिटी जो का जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना वो इंक्रोचमेंट के रीजन में था। आप सोच समझ सकते हो ये कितना बड़ा रीजन है, इतना बड़ा रीजन सिटी के इंक्रोचमेंट में था इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एक कानून ऑलरेडी आसाम गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ था, और वो कानून का नाम क्या था, आसाम हिल लैंड एंड इकोलॉजिकल साइट्स प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2006, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये चीज़ वहाँ पर हो रहा है, राइट? और देखो क्यों, सवाल ये होता है दैट हाँ दूसरे सिटीज़ में भी तो बढ़ रहे हैं यार, बट गुवाहाटी को क्यों इतना, मतलब इन जनरल असम और गुवाहाटी को क्यों इतना फोकस किया जा रहा है? देखो उसका मेन जो रीज़न है वह यह है दैट आप गुवाहाटी को अगर कोई भी दुनिया के डिफरेंट अदर सिटीज से कंपेरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुवाहाटी में अगर देख लीजिएगा ना, 9 रिजर्व फॉरेस्ट गुवाहाटी सिटी के अंदर है, राइट? दो बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये, ठीक है? तो इसीलिए ऐसे कोई सिटी यूजली ऐसा नहीं होता
इतना डाइवर्स सिटी, राइट, बट जो क्या गुवाहाटी है। इसलिए यहाँ पर अगर डेवलपमेंट करना है कहीं ना कहीं आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को कंसिडरेशन में रख कर ही डेवलपमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए इस ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों, GS2 परस्पेक्टिव में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर यू नो स्मार्ट सिटी आपके आसाम को डेवलप करने के लिए कुछ अगर पॉइंट्स अगर पूछे, तो ऑफकोर्स इस आर्टिकल से डायरेक्ट आप पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, यह न्यूज़ था रिगार्डिंग काओ एम्बुलेंस सर्विस। नॉर्थ ईस्ट का पहला काओ एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च किया गया है डिब्रूगढ़ में, ठीक है। सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। अब काओ एम्बुलेंस मतलब क्या, नॉर्मल एम्बुलेंस मतलब क्या होता है, इंसान लोग जाता है। काओ एम्बुलेंस मतलब ऑफकोर्स काओ को ले जाया जाएगा, और वैसे काओ जो कि इंजर्ड हो जाते हैं, होते हैं ना बीच बीच में, या फिर बहुत ज़्यादा सिक होते हैं, या फिर अबेंडॉन्ड काओज होते हैं, राइट, उनको देखने के लिए तो कोई नहीं है, राइट, उनके लिए ये काओ एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ लाई जाएगी, जिससे उनके ट्रीटमेंट, उनके केयर के लिए डिफरेंट गाय को जो है श्री गोपाल गौशाला में भेजा जाएगा। ये फैसिलिटेट क्या करेगा भैया, क्विक ट्रीटमेंट ऑफ काउस, ठीक है। अब इन एम्बुलेंस का कुछ कुछ खासियत है, खासियत क्या क्या है, दैट इन एम्बुलेंस में फिट किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम। अब देखो नॉर्मल इसमें क्या होता है ना, जब इंसान को तो स्ट्रेचर से घुसा दिया जाता है, राइट, बहुत सारे इंसान जो है खुद से भी चल के जा सकते हैं, है ना, बट इन केस ऑफ काउज जो है ऑफकोर्स उनके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए होगा, उसके आप तो अकेले एक दो जने गोदी में नहीं उठा सकते ना यार, बहुत भारी होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम होता है। तो ये तो खैर कुछ क्राइटेरियाज है जो क्या इस एम्बुलेंस की है, तो एनीवेज ये आपको जस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट यह न्यूज़ लिया गया है द हिंदू से, GS2 डेवलपमेंट इन एजुकेशन सेक्टर में आप इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। ये बात किया जा रहा है यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, राइट। अच्छा, अब एक मैंडेट डॉक्यूमेंट नाम का एक डॉक्यूमेंट रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, जिसमें प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है दैट कैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके, मतलब कैसे इसको डेवलप किया जा सके और फर्दर इम्प्लीमेंट किया जा सके। नाउ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है किस चीज़ का पार्ट, देखो आपको पता है ना 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया गया था, राइट, जिसमें बोला गया है दैट हम लोग एजुकेशन सेक्टर में एक पैराडाइम शिफ्ट हम लोग देखने वाले हैं, राइट, जिसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई है, राइट। अब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है चार एरियाज में ला जाने की बात की गई है, एक तो स्कूल के एजुकेशन में, एक तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, एक टीचर्स एजुकेशन में, और एक एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा टीचर्स एजुकेशन भी इसमें लाई कर रहा है, यहाँ पर आप मार मत खा जाइए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, राइट। स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले ही बोला था दैट हाँ, इस मैंडेट डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ किया गया है, कहा जा रहा है ये मैंडेट डॉक्यूमेंट जो है पैराडाइम शिफ्ट मतलब समझे, अचानक से जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग SMS करते थे ना मोबाइल से, अभी क्या व्हाट्सएप करते हैं, राइट। अब देखो अभी बाई चांस सोचो कल व्हाट्सएप का सर्विस बंद हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या आप फिर से SMS में आओगे, कभी नहीं आओगे, राइट, है ना। तो इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, हम लोग एक ऐसा शिफ्ट ले रहे हैं जिसमें हम लोग जो पुराना चीज़ जो इस्तेमाल करते थे जो या फिर जो थ्योरी इम्प्लीमेंटेशंस होती थी वो चीज़ हम लोग अप्लाई करना बंद कर देते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोला जा रहा है दैट मैंडेट डॉक्यूमेंट जो है ना ये वाला, ये लाएगा एक पैराडाइम शिफ्ट जो क्या फोकस करेगा ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन के होलिस्टिक डेवलपमेंट में कैसे उनको स्किलिंग प्रोवाइड किया जा सके, है ना, कैसे टीचर्स के रोल के जो टीचर्स का रोल जो काफ़ी ज़्यादा वाइटल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे उनको और भी ज़्यादा इनहांस किया जा सके, कैसे इंश्योर किया जा सके दैट लोकल रीजन में अगर प्रॉपर एडुकेशन पहुँचाना है तो मदर टंग का कैसे प्रॉपरली इस्तेमाल किया जा सके, कल्चरल रूटेडनेस को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप जैसे मैं जैसे आप असमीज करो, राइट, तो मैं अगर आपको शिक्षा SMEs में दूंगा ना, ऑफकोर्स प्राइमरी एजुकेशन, हम अभी तो खैर सबको ही बड़े हैं, सबको हिंदी इंग्लिश सबको ही आता है, मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ तो भी आप समझोगे, इंग्लिश में भी समझाऊंगा तो भी आप समझोगे, ठीक है, बट प्राइमरी फेज में क्या होता है ना, बच्चे लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़्यादा अपना मदर टंग से ज़्यादा होते हैं, राइट, तो ऑफकोर्स है ना वो कल्चरल रूटेडनेस में कहीं ना कहीं हमारा रहता है, तो उस चीज़ को इसमें भी फोकस करने की बात की जा रही है। इट इज़ ऑल्सो स्टेप टुवर्ड्स डीकॉलोनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जी हाँ, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको डीकॉलोनाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा
उसमें कहीं ना कहीं आप ये गौर जरूर किया होगा आप लोगों ने दैट इंग्लिश को जो है बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, राइट? इट्स नॉट दैट वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट स्टिल इफ समबडी इज टीचिंग यू इन इंग्लिश ना, यू विल फील लाइक ओ माई गॉड वाओ यार ही इज सच एन एडुकेटेड टीचर और समथिंग लाइक दैट, राइट? बट वही पर कोई हिंदी में पढ़ा रहा है, अरे यार कोई एस एम एस में पढ़ा रहा है, अरे यार ये क्या है? तो ये मेंटालिटी को कहीं ना कहीं वॉश ऑफ करेगी, मतलब अभी अभी जो फ्रेमवर्क दिया जा रहा है ना उसके हिसाब से, समझ रहे हो बात? नेक्स्ट इज, अच्छा कुछ कुछ यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसको मैं प्रॉपरली डिस्कस कर दूँ आपके साथ, क्योंकि बाई चांस अगर आपने देखो ऑफकोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसने नहीं पढ़ा होगा, सब नहीं पढ़ा होगा आप लोगों में से, मैं ऐसा जानकर मान के चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर अटेंटिव हो तो, ठीक है? बट उसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आप हैंडी डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग जो होने वाला है ना एजुकेशन में बाय द स्टेट्स और सेंटर्स, वो रेज किया जाएगा जीडीपी का परसेंटेज वाइज में, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन को नाम बदला जाएगा टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट? नेक्स्ट इज रीजन सच एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विच हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका जो क्या फेस कर रहा है वेरियस सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कास्ट बैरियर्स. ऑफ कोर्स अब जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला गया मतलब वैसे ही डिस्ट्रिक्ट जो क्या रिस्पेक्टिवली सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, राइट? सोशो इकोनॉमिक देखो क्लियरली लिखा ही हुआ ना, तो उस रीजन्स में उस रीजन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित कर दिया जाएगा, समझ लो बात? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता था, सरकार टैक्स फ्री कर देती है कोई भी कंपनी को, है ना? वैसे ही स्पेशल एजुकेशन जोन में क्या होगा, सरकार बोलेगी दर चलो भाई यहाँ पे एजुकेशन फ्री या फिर यू नो यूनिवर्सल एजुकेशन काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, इस टाइप से कुछ ना कुछ तो होगा. वैसे तो अभी भी है क्लास 8 तक, राइट? बट शायद उस रीजन में फ्यूचर में देखो फ्यूचर में कुछ भी होगा फ्यूचर में, राइट? दैट हाँ वहाँ पे शायद हायर एजुकेशन को भी फ्री कर दे उन रीजन के लोग बच्चों के लिए, ठीक है? इस टाइप से कुछ होगा. सेंटर विल ऑल्सो सेट अप जेंडर इंक्लूजन फंड टू बिल्ड द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स एज वेल, राइट? मतलब हर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फोकस किया गया है, राइट? जहाँ पे गर्ल्स ट्रांसजेंडर कोई भी हो सबके एजुकेशन को फोकस किया जाने वाला है, ठीक है? चलो नेक्स्ट दोस्तों लिया गया इंडियन एक्सप्रेस से रिगार्डिंग लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन LCRD. नासा ने रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है इस टेक्नोलॉजी को जिसका नाम है लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन को, जिसको लॉन्च किया गया था वैसे 2021 में ही, ठीक है ना? एग्जाम यूटिलिटी परस्पेक्टिव में GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, राइट? ना ये जो है ना कहा जा रहा है नासा का पहला एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम है जो क्या हेल्प करेगा नासा को टू टेस्ट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इन स्पेस. अभी तक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन स्पेस में टेस्ट नहीं किया गया था नासा के द्वारा, ये पहली बार किया जा रहा है, राइट? एंड इट इज़ द टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन दैट विल पेव द वे फॉर फ्यूचर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मिशंस, ठीक है? अब देखो फ्यूचर में देखो कोई भी चीज़ अगर आप क्यों टेस्ट करते हो, जिससे फ्यूचर में उसके एप्लीकेबिलिटी को चेक किया जा सके. जैसे अगर हमारे इंडिया में 5G इम्प्लीमेंटेशन होने की बात की जा रही है, राइट? तो उसमें पहले पायलट प्रोजेक्ट होगा ना जी, कुछ कुछ रीजन में 5G देखा जाएगा, उसके बाद पूरा इंडिया में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, समझ लो? तो वैसे ही यहाँ पर भी यही किया जा रहा है. अच्छा LCRD पेलोड जो है वो ऑनबोर्ड किया जाएगा इस सैटेलाइट में, चलो ये तो याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको ये ज़रूर याद रखिए दैट LCRD जो है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जो क्या अर्थ के 35,000 किलोमीटर अबोव जो है लॉन्च किया जा रहा है, राइट? एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं, अब ऑफकोर्स ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है तो ये ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जहाँ पर रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे ना वो स्मॉल इन साइज होंगे, स्मॉलर इन वेट होंगे और लेस पावर रिक्वायर करेंगे, बट स्टिल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा देंगे, राइट? तो स्मॉलर साइज का मतलब जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो पहले जितना सोचो ये साइज़ का हो रहा था, आज अभी ये साइज़ का है, तो इतना साइज जो बच गया इसमें कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट में हम घुसा सकते हैं, समझ लो? लेस वेट मतलब लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ अगर आप लॉन्च कर रहे हो स्पेस में सो उसका वेट के हिसाब से ही ना लॉन्च किया जाता है जी, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव होगा, ठीक है? लेस पावर मीन्स लेस ड्रेन ऑफ स्पेसक्राफ्ट बैटरी, ठीक है? नाउ विथ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सप्लीमेंटिंग रेडियो मिशंस विल हैव अनपैरल्ड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज. ये जो मिशन का जो यू नो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज होने वाला है ना वो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होने वाला है. तो एनीवेज आपको जो जस्ट याद ही रखना है अभी फिलहाल के लिए,
नेक्स्ट इज सेडिशन के रिलेटेड न्यूज़ में था दोस्तों, द हिंदू से यह लिया गया है। महाराष्ट्र में कुछ इशू हो गया था सेडिशन को रिलेटेड, उसी लिए न्यूज़ था ना। ये ऐसा इशू है ना सेडिशन, जो कि आप बीच बीच में 2 महीने के बीच बीच में देखते रहोगे, ठीक है। सो एज सच, बट स्टिल यू नो दिस इज अगेन बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द GS क्वेश्चन, दे माइट आस्क यू डायरेक्टली, सो वी शुड रिमाइंड बाई दिस काइंड ऑफ फैक्ट दैट वॉट इट एक्चुअली इज, राइट। नाउ इशू अराउंड सेडिशन है क्या, बोला जा रहा है दैट इस सेडिशन का जो है ना बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है अभी के दिनों में, ठीक है। कोई भी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो सरकार जो है उसके खिलाफ बोल देगी दैट अरे भाई ये सेडिशन सेडिशियस एक्टिविटी कर रहा है, इसको चलो जेल में घुसाओ। ऐसा थोड़ा ना यार, अभी हम लोग कॉलोनियल एरा तो नहीं है ना ये, ठीक है। और ये सेडिशन जो है ये कॉलोनियल एरा वाला एक कानून है, ठीक है। सो यही है GS2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ही तो आप इसको काउंट कीजिएगा ना जी, ठीक है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट देखो सेडिशंस जो है अभी के ज़माने में बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि अभी के ज़माने में बहुत सारे डिफरेंट अदर कानून भी तो है ना। देखो अभी के ज़माने में दूसरे अदर कानून जो बने हुए उसके हिसाब में आप घुसाओ ना, मतलब किसी को अगर आपको अरेस्ट करना हो तो, जैसे कोई भी अगर देश को तोड़ने की बात कर रहा है, चलो वो सब अलग चीज़ है, राइट। हाँ उसमें कोई मर्सी ही कुछ नहीं है, है ना, उसमें कुछ तो UAPA वेरियस एक्ट्स बने हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल करो यार। ये सेडिशन वाला कॉलोनियल एरा वाला एक्ट है, जब हमारे क्रांतिकारी लोग अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाते थे तब होता था, राइट। अभी तो देश पूरा बदल चुका है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, अथॉरिटेरियन कंट्री तो नहीं है ना ये, रशिया या फिर चाइना नहीं है हम लोग, ठीक है। सो वी शुड गिव फुल इंडिपेंडेंस टू आवर सिटीजन्स। एनीवेज बोला जा रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में इनोसेंट्स को यू नो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अच्छा अब ये एक ऐसा इशू है जहाँ पे कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप इन सपोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हो, कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके आर्ग्यूमेंट्स आप इन अगेंस्ट भी प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। ध्यान से पढ़ना, राइट। क्योंकि एक काम करो दोस्तों, आज मैं ना मेंस का क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इस सेडिशन में ही एक क्वेश्चन लिखो जिसमें आप अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ पढ़ लो, अब याद मत करना, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ को ध्यान से दिमाग में फिट कर लो, राइट। और इसी चीज़ को मैं आप जो है अपने कॉपी में लिखना, दैट इसके सेडिशन के फॉर द मोशन जो है आप पॉइंट्स लिखना और अगेंस्ट द मोशन पॉइंट्स लिखने की कोशिश करना, ठीक है। चलो आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट क्या क्या है। सेक्शन 124A ऑफ IPC जो कि डील कर रहा है विद सेडिशन, कहा जा रहा है दैट ये जो है एंटी नेशनल सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज टेररिस्ट एलिमेंट्स को पकड़ता है, ठीक है, एक फॉर द मोशन है, ठीक है। दूसरा है बोला जा रहा है इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट को वायलेंट किया जाता है, दैट हाँ हम लोग वायलेंट और इलीगल मीन से गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो कर देंगे, तो उस टाइप के सिचुएशन से गवर्नमेंट को बचाता है, कहीं ना कहीं स्टेट के स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है यह सेडिशन वाला केस। जैसे बोला जा रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ना जिसमें कोर्ट पेनल एक्शन लगाता है, वैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट भी होना चाहिए, बट यहाँ पर आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट क्लेम यहीं पर कर सकते हैं दैट कोर्ट जो है दैट इज़ नॉट एन इलेक्टेड बॉडी, राइट। कोर्ट का काम ही है दैट जो हायर ऑर्डर ऑफ लॉज एंड सिचुएशन है उसको यू नो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट करना, राइट। तो कोर्ट के खिलाफ अगर आप जाओगे तो कोर्ट तो सेडिशंस कर ही सकती है, बट गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड बॉडी है ना यार, इलेक्टेड मतलब हम इंसान ही तो उसको इलेक्ट कर रहे हैं ना वोट देकर, सो वी शुड हैव द पावर टू क्रिटिसाइज देम इफेक्टिवली, राइट। क्योंकि आप US में जाना, ठीक है, US में देखना प्रेसिडेंट को मुंह में उल्टा पुल्टा लोग पूछ लेते क्वेश्चन, है ना, बट हमारे देश में लेकिन उतना आज़ादी अभी कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है, राइट। जहाँ पर अगर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को उल्टा पुल्टा कुछ नहीं पूछ सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ लेकिन कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा यू नो लिबर्टी आने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो जितना लिबर्टी आएगा ना उतना हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान के लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी एडिटर्स एडिटोरियल्स लिखते हैं, राइट, जो भी न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ आती है वो पता है किसके भलाई के लिए होती है, नॉर्मल जनता के भलाई के लिए, है ना। उसमें सरकार को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, क्यों, क्योंकि सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। बोलता है ना दैट अगले पहले ज़माने में जो राजा लोग होते थे, सरकार राजा है अभी की, ठीक है, और हम लोग नॉर्मल प्रजा है। ट्रू फैक्ट बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो तो जस्ट अभी डेजिग्नेशन मिल गया दैट हाँ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, डिकना मिनिस्टर, ठीक है, वो सब है, बट स्टिल यू नो ये लोग राजा ही हैं, ठीक है। तो एनीवेज नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो इन सपोर्ट है वो है मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स फेसेस माओइस्ट इंसर्जेंसीज रेबल्स ग्रुप, अब देख ही रहे रेड कॉरिडोर रीजन्स में, ठीक है, माओइस्ट एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, राइट। उसमें ऑफकोर्स ओपनली बोला जाता है दैट अरे भाई सरकार कोटा के फेंक देंगे,
ना, थ्रू रिवॉल्यूशन। तो उन सब केसेस के लिए जो है हाँ सेडिशन जो है बिल्कुल होना चाहिए, राइट। बट आप अगेन उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर, ठीक है, दैट उसके लिए तो डिफरेंट अलग भी कानून बने हुए हैं। सेडिशन एक्चुअली में है क्या, सेक्शन 124 है ऑफ आईपीसी जो है वो क्लियरली बोलता है सेडिशन को, डिफाइन करता है सेडिशन को, दैट कभी भी अगर सरकार के खिलाफ बाई वर्ड्स या फिर बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस दैट आपने कुछ मौकड़ी बना, मतलब कुछ एक मीम बना दिया, मीम कार्टून बना दिया सरकार को, जिसने सरकार को हर्ट कर दिया, राइट, या फिर सरकार या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के खिलाफ अगर हेट्रेट या फिर कंटेम्प्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हो जिससे यू नो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सके, तो उस सिचुएशन में जो है सरकार को इतना राइट है, लॉ को कानून को इतना लाइट है दैट आपको पनिश कर सके विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है जो क्या एक्सटेंड कर सकता है अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। सो ये सब चीज़ है। दिस सेक्शन इज सीन एज अ रेस्ट्रिक्शन इन इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जी हाँ, अभी के ज़माने में तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं ताला ही लगाता है ना यार मोर, क्योंकि देख लीजिएगा आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में भी हमें आज़ादी दी गई है, तो उस आज़ादी को भी तो कहीं ना कहीं ये अरेस्ट कर रहा है ना। तो ये सब इशूज़ हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे इन एंड अराउंड सेडिशन। नाउ अभी जो है कुछ कुछ एमसीक्यूज़ मैं कल वाला डिस्कस करना चाहता हूँ दैट, और बताना देखता है किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। एनीवेज, पहला क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर रेजिग्नेशन एंड री इंस्टेटमेंट ऑफ एन ऑफिसर, राइट। ये एक दो तीन ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से तीसरा ही ऑप्शन सही था, क्योंकि पहला और दूसरा ऑप्शन को जो है इंटरचेंज किया गया था, दैट इज यहाँ पे आईपीएस होता और यहाँ पे आईएएस होता, ठीक है। तो अगेन 3 वाज द ओनली आंसर, इसलिए ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। दूसरा अधिग्राम्स को रिलेटेड था, राइट, तो इसका दोस्तों दोनों के दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही थे, राइट, तो सी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो किस देश के द्वारा बनाया गया था, सो दैट आंसर वॉज चाइना, राइट। सो अगेन द करेक्ट ऑप्शन वेर ए सी एंड ए अगेन, राइट। आज के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स आज थोड़ा इंटरनेट का इश्यूज है ना, उसके लिए शायद से लेट से थोड़ा वीडियो अपलोड हो, डोंट वरी अबाउट इट, बट या यू शुड राइट द आंसर टू इट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, इट कॉल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, रीजन सच एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विल बी डेजिग्नेटेड द टैग ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन अंडर दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। करेक्ट कोड आपको चूज करने बोला गया है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, आपको बताना कौन सा सही है। नेक्स्ट, LCRD लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोस्ट्रेशन, अ टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज इनिशिएटिव ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, किन कंट्रीज का इनिशिएटिव है ये, चाइना, USA, UK या फिर रशिया। नेक्स्ट इज काओ एम्बुलेंस सर्विसेज रिसेंटली इन न्यूज, दिस इनिशिएटिव इज स्टार्टेड विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। ओके, यहाँ पे माफ़ करना यार, ये ऑप्शंस ही गलत है, चलो मैं चार ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, है ना, असम, राइट, बिहार, माफ करना गाइस, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। तो इसका आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख, माफ़ करना ये शायद मिसप्रिंट हो गया। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन एंड रिगार्डिंग द मेंस क्वेश्चन, एज वी हैव सेड यू दैट यू नीड टू राइट अबाउट द सेडिशन, राइट। एंड सेडिशन को जो पॉइंट्स डिस्कस किया ना, उसी के देखो ऐसे तो फॉर द मोशन, दैट इज फॉर द मोशन ऑफ सेडिशन, दैट वाई सेडिशन इज यूजफुल, वाई सेडिशन इज रिक्वायर्ड, हम लोगों ने वो डिस्कस किया, बट उसी पॉइंट्स को आप कॉन्ट्राडिक्ट भी वहाँ पर कर सकते हो, एंड यू कैन राइट योर आंसर, राइट। एनी वेज, फ्रॉम टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग इट, राइट। सो विल डील यू लाइक विल मीट यू टुमारो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।